मेरी फिलहाल ये कामना है एक पुत्र होने की नियत से, बाप सब कुछ होता। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा, मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा। हमने होली की दिवाली की खुशियां नहीं देखी, हमने ईद की बकरीद की खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूं और जब ये कार्रवाई देखता हूं कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने देंगे। परेशान है। नवाब कलेक्शन लेकर आए हैं रमजान स्पेशल, सूट सलवार कुर्ती लहंगा घाघरा और चुनरी के सभी रेंज के कपड़े। लेडीज के साथ साथ किड्स वेयर की सभी किस्म की रेंज के साथ मुनासिब कीमत पर एक बार जरूर फैमिली के साथ तशरीफ लाएं नवाब कलेक्शन मिर्ज़ा हाजीपुरम मऊ। नाजरीन आपका आग मऊ में खैर मकदम है, मैं हूं नौशाद अंसारी, आदाब। बांदा ज़िला के मेडिकल कॉलेज से बाहर आने के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मीडिया को बताया कि जेल इंतज़ामिया ने एक ख़त लिखकर घर वालों को बुलाया लेकिन उन्हें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। मेडिकल कॉलेज में उमर अंसारी वल्द मुख्तार अंसारी को एंट्री नहीं मिली। बांदा ज़िला इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए उमर ने कहा कि जब मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मुझसे कहा गया कि जाकर कप्तान से इजाज़त ले आओ। मैं 900 किलोमीटर का फासला तय करके गया लेकिन मुझे अपने वालिद मुख्तार अंसारी से मिलने नहीं दिया गया, न ही उन्हें शीशे से देखने की इजाज़त मिली, जबकि मेरे पास वो ख़त मौजूद है जिसमें जेल इंतज़ामिया ने मुझे और मेरे चचा अफजाल अंसारी को मुलाकात के लिए बुलाया है। वहीं गाज़ीपुर से एसपी उम्मीदवार और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से वज़ीर आला के दफ्तर में फ़ोन करके बात करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि जब अफजाल ने फ़ोन किया तो वज़ीर आला के गोरखपुर में होने की वजह से कोई बातचीत नहीं हुई। अफजाल अंसारी कल दोबारा वज़ीर आला से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए नाज़रीन हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं उमर अंसारी। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में दो ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम, आप जाइए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं अब, सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है एक पुत्र होने की नियत से, बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा, मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा। हमने होली की दिवाली की खुशियां नहीं देखी, हमने ईद की बकरीद की खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूं और जब ये कार्रवाई देखता हूं कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने। परेशान है 24 के लिए? कुछ अपील, कुछ अपने समझ कुछ पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहां से परवाना कट जाएगा कोई बचा नहीं सकता।